1,11,1,14,1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 ,
तो बोले जिसके मस्तक पर विभूति नहीं, अंग में रुद्राक्ष नहीं और मुख में शिवमयी वाणी नहीं, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। तो सबको त्रिपुंड लगाना चाहिए और शिव नाम सबको जपना चाहिए। क्यों? शिवेति नाम गावा महापातक पर्वत दशमी भवन्ति अनायास सत्यम सत्यम न संशयः। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास बिना प्रयास जल करके राख हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे सौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों में संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते। जीवन में व्यक्ति इतना पाप नहीं कर सकता, पाप की इतनी क्षमता नहीं है जितनी शिव नाम में पाप को दग्ध करने की क्षमता है। एक बार वो कहे तो सही, प्रेम से उसके मुख से निकले तो शिव नाम सही। हम लोग भगवान नाम, शिव नाम, नारायण नाम तब जपते हैं जब कोई तकलीफ होती, विपत्ति होती या कोई काम कराना होता है। तब पातकानि विनश्यन्ति यागन्ति शिव नामतः भुवितागन्ति पापानि प्रियन्तेर्नन्दरे मुनिः। हे महर्षे, भगवान शिव के नाम में जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। भगवान शंकर के एक नाम में पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। पापानां शरणं पापानां शरणं शक्ति यावती सक्रांति पातकं तावत् परिणाति नरः कुचित्। शिव नाम
की बहुत बड़ी महिमा है। आप लोगों ने पहले तो कथा सुनी है कि धुन तर गया, शिव नाम से सदगति मिल गई। ब्राह्मणी युवती, उसको शिव नाम से सदगति मिल गई, इसलिए ये महात्माओं, ये ब्राह्मणों, सूत जी कहते हैं हमने भगवान नाम रुद्राक्ष और नाम की महिमा रुद्राक्ष वसु की, मैंने इसका वर्णन आपसे किया। अब भस्म का महत्व पूछते हैं। भस्म किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं धारण करना चाहिए?